फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दैट वी वर डूइंग. और जो स्टार्ट मैंने किया था लेक्चर वन और लेक्चर टू, आज हम जो है स्टार्ट करेंगे, सेट टू स्टार्ट करेंगे. सेट टू के अंदर आज हमारा जो है वो लेक्चर वन है. और लेक्चर वन में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो डिफरेंट में स्टार्ट किए थे. लास्ट हमारे जो पूरी सीरीज चल रही है, सीरीज का जो लेक्चर थ्री था हमारा, जो उसमें अप टू 50 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं. और आज इंशाल्लाह हम लोग जो है 15 एमसीक्यूज जो है वो और करेंगे. और हमारा प्लान दिखते हैं फिर आगे फर्दर उसको हम एक्सटेंड करते जाएंगे. तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है. थोड़े से मुश्किल एमसीक्यूज भी हैं और थोड़े आसान भी हैं. लास्ट लेक्चर से रिलेटेड थोड़े से मुश्किल भी होंगे, बट होपफुली आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो साथ में आपको समझ में भी आता रहेगा. सो बिफोर दैट स्टार्टिंग, सो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल रिजल्ट जॉब PCST एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव माई न्यू वीडियोज, जो भी लेक्चर आपको अपलोड हो रहा है. सो लेट्स बिगिन नाउ. The function getCH is defined in dash. ठीक है, अब ये function कौन सी इन header files के अंदर define किया जाता है, function getCH. अच्छा, getCH जो है वो हमें पता है कि, और ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे पास conio.h, conio.h जो है बेसिकली इट्स अ कंसोल. कंसोल का मतलब होता है जो आप गेट डेटा गेट कर रहे हैं या डेटा जो है आप ले रहे हैं उसको वो डिस्प्ले कर रहा होगा. तो conio.h ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर टू, द प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले डैश. नाउ यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो टेक्स्ट है, ठीक है, ये भी होता है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स बोथ ए एंड बी एंड नन. अच्छा, नन तो हो नहीं सकता क्योंकि टेक्स्ट तो करता ही है, फिर कॉन्स्टेंट भी करता है और वैल्यूज और वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो भी जो है क्या कहते हैं प्रिंट कर रहा होता है. तो द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये टेक्स्ट भी कर रहा है और कॉन्स्टेंट एंड और वैल्यूज भी कर रहा है साथ साथ. तो प्रिंट एफ की जो कमांड है वो दोनों चीजें करती है. द थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज अ कंट्रोल स्ट्रिंग इन द स्टेटमेंट प्रिंट एफ. अब कंट्रोल स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास कौन सी है स्टेटमेंट, यानी कि अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल है कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है, यानी कि ऐसा रिजल्ट, यानी कि जो आर का जो रिजल्ट है, ये जो आर वेरिएबल है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये इसके कंट्रोल. तो आपको सिंटैक्स याद होना चाहिए प्रिंट एफ का. तो प्रिंट एफ में जो है सबसे पहले पहला पार्ट जो आता है वो आता है कंट्रोल स्ट्रिंग का, और कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद आता है वेरिएबल. तो ये दो चीजें याद रखिएगा, कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा वेरिएबल. तो वेरिएबल तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, मगर ये जो चीज है दिस इज द कंट्रोल स्ट्रिंग. अब क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज द कंट्रोल स्ट्रिंग इन द स्टेटमेंट प्रिंट एफ. तो अब रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंट डी जो है हमारे पास, परसेंट डी ये नहीं हो सकता क्योंकि और आर भी नहीं है, आर वेरिएबल है, कंट्रोल स्ट्रिंग तो हो नहीं सकता. तो कंट्रोल स्ट्रिंग जो है वो पूरी एक चीज है, पूरी स्टेटमेंट होती है, और यहाँ पर स्टेटमेंट की बात हो रही है. तो स्टेटमेंट में ये आंसर बी जो है सब करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर, द फंक्शंस यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट. अब कौन से फंक्शन, यानी कि अब हेडर फाइल, कौन सी हेडर फाइल है आर स्टोर्ड जिसमें इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन यूज होते हैं. ठीक है, तो मैथ के अंदर तो हमारे पास सारे मैथ के ही फंक्शन यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मॉड्यूलस मल्टीप्लाई ये सारे, डिवीजन. आउटपुट के अंदर हमारे पास आउटपुट से रिलेटेड यूज हो रहे हैं, मगर आउटपुट तो हमारे पास ऐसा कुछ हेडर फाइल होती नहीं है. conio के अंदर कंसोल डॉट हेडर फाइल है, कंसोल के अंदर जो है गेट सी एच और गेट सी एच ई यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी नहीं है. जो स्टैंडर्ड इनपुट है, यानी कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ की जो कमांड है वो हमारी जो यूज हो रही है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, ये जो आंसर है इसका स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर, ये है स्टैंडर्ड. तो एस टी डी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड.
और आई ओ का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारे पास स्कैन एफ की कमांड है वो स्टैंडर्ड है, और जो प्रिंट एफ की कमांड है वो हमारे पास आउटपुट के लिए यूज होती है, ठीक है। और ये एस टी डी आई ओ, तो आप देखा होगा आप लोगों ने जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये जरूर लिखते हैं। तो इसीलिए लिखा जाता है कि अगर प्रोग्राम के अंदर कोई भी आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज कर रहे हैं तो इजीली आपको वो लाइब्रेरी से कॉल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंट एक्स इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर परसेंट एक्स। परसेंट एक्स जो है क्या कहते हैं, बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। परसेंट एक्स का मतलब होता है हेक्सा। हेक्सा में जो एक्स है बड़ा यूनिक साइन उन्होंने रखा हुआ है, बाकी किसी भी जगह पे एक्स यूज नहीं हो रहा। सो बेसिकली एक्स जो है इज अ फॉर्म ऑफ हेक्सा। तो याद रखने की बड़ी अच्छी ट्रिक है कि जहां पर परसेंट एक्स आए तो हेक्सा बन जाता है, और उसके अलावा ना डेसिमल है, ना ऑक्टल है, ना इंटीजर है, ना डबल वैल्यू है। तो ये आपके लिए बड़े इजीली रहेगा कि द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेयर यू फाइंड परसेंट एक्स जो है वो हेक्सा के लिए यूज हो रहा है। ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि प्री डिफाइंड यूज होते हैं, और इसमें हमारी यूजर की तरफ से कोई ऐसा इनपुट है नहीं, तो ये हमें वैसे जैसे हैं गिवन तो हमें वैसे यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट एफ। नाउ दिस इज अ ट्रिकी, पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें सेट 1 में हम कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि हम वहां पे कुछ वैल्यूज को प्रिंट करा रहे थे। अब यहाँ पे ना डिफरेंट चीज है, यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है वो है स्ट्रिंग का, ठीक है। स्ट्रिंग का कह लीजिए या करेक्टर कह लीजिए, ये दोनों के लिए यूज होता है। तो करेक्टर के लिए जब आप यूज कर रहे हैं तो ए प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली ए ही प्रिंट होगा। और अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, हमारे पास ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब ए क्यों नहीं हो सकता, ए क्यों हो सकता है और सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए के साथ इस ए में हमारे पास सिंपल ए है, इन्वर्टेड सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं है, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। बट सी क्यों नहीं हो सकता, इसकी वजह यह कि क्योंकि इसका आउटपुट जो है सिंगल कोटेशन के साथ आ रहा है, मगर सिंगल कोटेशन जो है यहाँ पर एज अ वेरिएबल के तौर पर यूज हो रहा है, तो ये प्रिंट के लिए यूज हो रहा है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट एफ परसेंट डॉट थ्री एफ कॉमा 3.4567। नाउ फ्लोट की वैल्यू है, आपको 3 डेसिमल तक जाना है, डेसिमल के बाद नंबर के बाद, यानी कि आपको आफ्टर डेसिमल यू कैन नीड, आप जो है ना मैक्सिमम 3 नंबर ले सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं 3 point, अब 3 नंबर कौन सा, 4, 5, 6, 4, 5 and 6, दिस इज द आंसर। एंड अब ये आंसर है आंसर नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स द एस्केप सीक्वेंस टू इंसर्ट टैब इन सी। अच्छा, टैब अगेन टी इज अ कीवर्ड, यहाँ पे की करेक्टर है। अब टैब से क्या है, हमें समझ जाना चाहिए जो टैब है वो टी से ही आएगा, तो ऑब्वियसली जो है वो हमें टी की तरफ ही जाना है। आंसर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू प्रिंट पाकिस्तान इन डबल कोटेशन। अच्छा, यहाँ दो चीजें हैं, एक इनसे आपसे कहा गया कि ये डबल कोटेशन भी प्रिंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान प्रिंट हो, पाकिस्तान के साथ साथ डबल कोटेशन भी प्रिंट होगा। तो अब इसमें जो है वो डिफरेंट कमांड है जो कि सिर्फ सिंगल पाकिस्तान और डबल, यानी कि डबल कोटेशन भी यूज की जा सकती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो ए है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे डबल कोटेशन लगा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है। बी जो है इट इज ऑल्सो रॉन्ग,
सी जो है इट्स करेक्ट वर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्लैश के साथ यूज हो रहा है, ये हमारी बेसिकली यूज हो रहा है डबल कोटेशन के लिए. डी इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 10. डैश इज अ करेक्ट स्टेटमेंट टू इनपुट अ वेरिएबल एक्स अ फ्लोट डेटा टाइप. नाउ यहां पर जो क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको इनपुट करना है, क्या इनपुट की कमांड लिखनी है और उसमें वेरिएबल एक्स होना चाहिए और एक्स की डेटा टाइप क्या होना चाहिए, फ्लोट. सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है इवर से ट्रिकी सा है. देखें तो हमारे पास फ्लोट में यहाँ पर जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स याद रखिएगा, सिंटेक्स जो है वो स्कैन एफ, ठीक है, डेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैं एफ ओ एस लिख रहा हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है ये, देन कॉमा, देन एम्बरसेंड का निशान होना चाहिए, देन वेरिएबल, ये चीज जो है क्या कहते हैं, और सेमी कॉलन एज अ फुल स्टॉप. अब आप ये देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है हमारे पास होगा परसेंट एफ और एम्बरसेंड वेरिएबल क्या होगा, एक्स. तब हमारे पास देखिए तीनों ऑप्शन जो है वो ए जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है तो गिवन है मगर एम्बरसेंड नहीं, इट्स इनकरेक्ट. सेकेंड वाला इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड वाला जो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज सी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज स्कैन एफ परसेंट एफ एंड एम्बरसेंड एक्स, दिस इज द करेक्ट आंसर. फिर आगे जाने की जरूरत आती नहीं है. नंबर 11, द एम्बरसेंड एंड इज यूज्ड इन स्कैन एफ फंक्शन इज कॉल्ड डैश. एम्बरसेंड में जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद याद रखना चाहिए कि जो एम्बरसेंड का निशान है दैट इज कॉल्ड, दिस इज एम्बरसेंड, इट इज यूज फॉर एड्रेस ऑपरेटर, ये एड्रेस ऑपरेटर है, क्योंकि ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा जब एड्रेस स्कैन एफ की कमांड आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो ये एड्रेस ऑपरेटर लिखा हुआ होता है. तो एड्रेस ऑपरेटर मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोग्रामिंग में एंड बोल रहे होते हैं, बट आपको इसको एज एन एड्रेस ऑपरेटर ही बोलना चाहिए और समझना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. नाउ कौन सी कमांड है जो कि इनपुट लेती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, स्कैन एफ बिल्कुल जरूर लेती है, गेट्स भी लेती है और गेट सी एच ई भी लेती है. सो ऑल थ्री बेसिकली टेक्स द वैल्यू, get ch means get ch echo, get ch means get string, scanf means take any variable value. So all the answers are correct, okay, so all are the right answers, option D. Now question number 13, it states that scanf function is used to get data from. अच्छा जी, स्कैनर फंक्शन जो है वो कहाँ से डेटा लेता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर से तो हम बात कर रहे हैं, मगर कंप्यूटर में भी किस चीज़ से, तो ये अभी बहुत ही डोमेन से पड़ा है, प्रोसेसर से नहीं लेता. अच्छा, थर्ड इज इनपुट डिवाइसेस, दैट इज करेक्ट आंसर. इनपुट डिवाइस प्रिंट एफ जो है वो स्क्रीन पे देता है और इनपुट डिवाइसेस से जो आप जो इनपुट देते हैं माउस कीबोर्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं टच वो आपको इनपुट डिवाइसेस से देंगे. क्वेश्चन नंबर 14, इंस्टेड ऑफ वेरिएबल नेम द स्कैन एफ रिक्वायर्स डैश ऑफ द वेरिएबल्स टू स्टोर द इनपुट वैल्यू इनटू इट. अब स्कैन एफ में वेरिएबल के अलावा क्या चीज यूज होती है ये बताना है. बात समझ आ रही है कि वेरिएबल के अलावा क्या चीज यूज होती है, दैट इज द एड्रेस. हमने लास्ट एमसीक्यू के अंदर किया, इसमें हमने मैंने बताया था एड्रेस प्लस वेरिएबल,
एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट वन, विच कैरेक्टर इज यूज्ड एज एन एड्रेस ऑपरेटर. अगेन फिर उसी सवाल को घुमाकर ले आते हैं और ये नया तरीके से पूछा गया है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. तो ये तो नहीं है डॉलर साइन, तो कहीं यूज नहीं होता. एड्रेस ऑपरेटर में हैश भी यूज नहीं होता, ये तो लिंकर है. और ये टर्नरी ऑपरेटर है, तो ये ऑल्सो नॉट going to happen. So ye hamare paas last option hai, that is B. Okay, this is an ampersand sign. Aur ampersand sign jo hai ye hamare paas address of an operator hota hai. So ye 15 MCQs is lecture ke set 2 ke lecture 1 ke. So guys understand this all the MCQs. So like the video and subscribe my channel. Thanks for watching this lecture.